मेरे अजीज़ो, आज लोगों में जो बदअमली आई है उसकी एक बड़ी वजह यही है, हमारे बच्चों में और नौजवानों में आखिरत का डर कम हो गया, डर कम हो गया। ये जितने भयानक भयानक गुनाहों में आज मुलव्विस हैं, इनको डर नहीं है, इनको खौफ नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, पिछले ज़माने की एक बात है कि एक परहेजगार शख्स थे, मुत्तकी थे बनी इसराइल में, एक खातून जो फहश कामों में मुलव्विस रहती थी, तवाइफ थी या जैसी भी, वो आई इस आबिद के पास। ये परहेजगार शख्स था, ये जब आई तो कहा कि रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, बाहर ठंडी और बारिश है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। उस आबिद ने रहम खाकर अपने घर में, औरतों के रोने पर कभी शैतान दाखिल हो जाता है, मदद के लिए औरत रोना धोना जब करती है तो अच्छे अच्छों का ईमान ख़त्म हो जाता है। वो औरत रोने लगी कि मेरा कुछ कोई सहारा नहीं, बारिश में भीग जाऊंगी मैं, तड़प तड़प के ख़त्म हो जाऊंगी। उस आबिद शब जिंदादार उसने अपने खानकाह में जगह दे दी। जब रात हो गई तो वो औरत आई उसके सामने, उसके सामने आई और औरियानियत के साथ अजीब गरीब हरकतें करके उसको गुनाह पर उभारने लगी। वो आबिद तन्हा था, वो करीब आया, उसके बाद पूछा क्या चाहती है। कहा चल कोई नहीं है, रात में कोई नहीं है, हम लोग अपने जिस्मों की सुकून हासिल कर लें। उसने, उस आबिद ने कहा कि ठीक है, मैं उससे पहले थोड़ी देर मैं भी आता हूँ, ख्वाहिश है तेरे साथ आ जाता हूँ, सोता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ। उसने क्या किया, घर में जो चिराग जल रहा था, बहुत उस वक्त मिशाल जलाए जाते थे, करंट तो नहीं, लाइट नहीं, मिशाल जो जलाए जाते थे, उसने वो मिशाल को करीब किया, पहले उसमें अपनी उंगली लगाया तो चमड़ी जल गई, हाथ झटकने लगा। वो खातून तैयार खड़ी थी, पूछने लगी कि क्या कर रहा है। कहा रुक जा, देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद दूसरी उंगली आग में लगाया, चमड़ी जल गई। फिर उसके बाद वो इसी तरह जलाता रहा उंगली को। उस खातून ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। उस आबिद ने कहा मैं देख रहा हूँ, इस आग को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं यहाँ मज़े भी कर लूँगा, इसलिए कि जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, मैंने सुना है, देख रहा हूँ कि यहाँ की आग मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ। दो उंगलियाँ सामने किया, तीन उंगलियाँ किया, चार उंगलियां जब मशाल में लगाया तो पूरा चमड़ा जल करके सिर्फ उंगलियों की हड्डियां काली होकर रह गई, हाथ पूरा चमड़ा लटक गया, पूरा ख़त्म हो गया, हाथ पूरा जला रह गया। वो औरत चीख मारने लग गई कि क्या कर रहा है, चमड़े के जलने की बू आने लग गई। इसी असना में वो औरत चीख मार करके बाहर निकलती है कि बचाओ मुझे, बचाओ, ये पागल हो गया, पागल हो गया। बादशाह की पुलिस वहाँ से गुजर रही थी, आई और उसने पूछा कि क्या हुआ है। कहा कि इस आबिद ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। तो पुलिस अंदर घुस गई, देखा तो ये बैठा हुआ था, अब आओ देखा नताओ, हमला कर दिया इस पर। लोगों को बाहर पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक औरत आई थी और उस पर आबिद रात को तन्हाई में उसके साथ मुँह काला कर रहा था। तो लोगों ने मारना शुरू किया, मारना शुरू किया, इतना मारा कि वो आबिद मर गया, इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि अब लोगों में ये बात फैल गई कि इतने सालों जिसको हमने इबादत में देखा था, वो एक औरत के चक्कर में आखिरी वक्त बहक गया और मुंह काला कर लिया। अब उसके बाद उसको उठाते हैं, उठा करके कब्रस्तान में जब दफन करने के लिए रखा गया, कब्र में जैसी रखते हैं, उस कब्र में तेज़ खुशबू भर चुकी है, हर जगह से खुशबू के झोंके आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये बदकार आदमी की कब्र में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही। उसको दफन कर दिया और ये बात मशहूर होने लग गई, बादशाह खुद भी आया, पूछा ये क्या मसला क्या है। तो लोगों को
जब ये बात समझ में नहीं आई तो उलमा को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या मसला है। कहा गया कि ये बदकार नहीं हो सकता, ये अल्लाह की रज़ा में इंतकाल किया है। उस खातून को पकड़ कर लाया गया, पूछा गया कि क्या क्या मामला हुआ था, सच बता। उस औरत ने बताया कि इसका कोई मसला नहीं था, ये डरता रहा अल्लाह से और आखिरत से डरता रहा और रात में ये बैठ करके अपनी उंगलियां जला लिया था और ये कहता था कि मैं देखता हूँ दुनिया की आग से मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ तो ठीक है मैं तेरे साथ मज़ा करूँगा, नहीं तो फिर आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा सख्त है। वो ये कहता रहा और मैं भाग कर गई, इतने में लोग आए और इसको मार दिए। बादशाह ने पूछा कि देखो इसको फिर से निकालो, निकाला गया। उस खातून के बताए हुए एतबार से जब देखा गया तो उसका हाथ जला हुआ वैसे ही मौजूद था, जला हुआ हाथ वैसे ही मौजूद था जैसे उस औरत ने वाकया सुनाया था। फिर लोगों ने बहुत तौबा की कि उसको मारने का क्या गुनाह था, उसका जुर्म था, लेकिन बहरहाल वो शहीद था। इस हिकायत को नकल करके फरमाते हैं साहिब हिकायत कि ये वो लोग थे जिनका हर काम आखिरत से जुड़ा हुआ था, वो एक हरकत भी कुछ इनको दुनिया में डगमग नहीं करती, उनके पाँव को नहीं फिसला पाती। क्यों? वो डरते इस बात से थे कि आखिरत में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। मेरे अजीज़ों मैं आपको बताऊं, जिना की जो सज़ा हमने बताई थी, इससे कबल भी मैंने बताया कोड़े मार दिए जाएं 100 या संसार कर दिए जाएं, ये आखिरत में दी जाने वाली सज़ा का 1/5 हिस्सा है, इससे 100 गुना ज़्यादा सज़ा वहाँ पर क़यामत में। तो फिर वो कैसी होगी सज़ा, पे 100 गुना ज़्यादा सज़ा क्या है? इसीलिए फरमाया गया जहन्नम का हल्का अजाब। पूछा गया हुजूर से सबसे कम अजाब क्या होगा, सबसे कम किसी को अजाब दिया जाएगा अगर दोजख में तो क्या होगा? फरमाया गया कि उसको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से उसका भेजा पक करके उबल रहा होगा, ये सबसे हल्का अजाब है दोजख का। फिर जहां अल्लाह ने अजाबुल अलीम कहा, अजाबुल अज़ीम कहा, अजाबुल मुहीन कहा, दर्दनाक अजाब, बड़ा अजाब, जिल्लत वाला अजाब, तो फिर वो कैसा होगा? बहरहाल खुलासा कलाम मेरा ये है कि लोगों तुम आखिरत के तस्वुर पे जीते रहो, दुनिया फ़ानी है, दुनिया फ़ानी है, हिसाब का एक दिन आएगा। फ़मन यामल मिथ़्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथ़्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाता है जिसने राई के दाने के बराबर नेकी की वो भी देखेगा क़यामत के दिन, और जिसने राई के दाने के बराबर बुराई की वो भी क़यामत के दिन देखेगा। आखिरत आखिरत आखिरत, अपने बच्चों में भी डर इसी बात का डालो कि अल्लाह करीम के यहाँ हिसाब होना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब होना है।